हेलो एवरीवन। सो कंपनी है वेंटेज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है आज 7 नवंबर। सो साफ क्लियर विजिबल है कि कंपनी के जो 4 मंथ्स थे, यहाँ पे 4 मंथ्स थे इधर जो कंपनी के, उस टाइम कंपनी की जो कैंडल्स हैं प्राइजिंग काफ़ी रैपिडली ऊपर मूव हुई हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ सिर्फ 4 महीने में कंपनी अराउंड 10 रुपये से इसने अपना यहाँ पे हाई टच किया, अराउंड 330 रुपये के आसपास 4 महीने में इसने अपना हाई टच कर दिया। उसके बाद हुआ क्या है कि यहाँ पे कंपनी का फिर फॉल हुआ ऊपर के लेवल से, अराउंड 400 के लेवल से कुछ इस जगह से। और देख सकते हैं कि अराउंड अराउंड 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने से लगातार कंटिन्यूसली प्राइस के नीचे ही आती जा रही है। अब यहाँ पे हम साफ देख कह सकते हैं कंपनी डाउनफॉल में है, कंपनी की प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आती जा रही है। बट अगर इस चीज़ को हम देखें इसके फंडामेंटल्स में, तो यहाँ पे कुछ और ही है। मार्केट कैपिटल 36.9 करोड़, आरओसी है 35.5, आरओई है 25.6। ठीक है, इसकी प्रॉफिट्स में चलें ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स पे, तो 2022 का प्रॉफिट आया था 22,00,022, यानी कि 22 लाख। 23 का आया 1.01, यानी कि 1 करोड़ 1 लाख। टीटीएम दिखा रहा है 1.52, यानी कि 1 करोड़ 52 लाख का। तो प्रॉफिट इसके ऑनगोइंग, यानी कि एक असेंडिंग पोजीशन में चलते हुए, बढ़ते हुए पोजीशन में इसके प्रॉफिट निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर बैलेंस शीट में चलूँ तो बैलेंस शीट में कंपनी की जो डेप्थ है वो जीरो है, डेप्थ फ्री कंपनी ऑलमोस्ट। ठीक है, टोटल डेप्थ फ्री कंपनी। और कंपनी का रिजर्व फंड भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। 2022 में था सिर्फ 8 लाख रुपये का, 2023 में हो गया वही 1 करोड़ 9 लाख रुपये का। ठीक है, इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा इशू है। 2020 से लेके अब तक जो कंपनी की होल्डिंग, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग है, वो सेम बनी हुई है 12.56%। वहीं पब्लिक की होल्डिंग है 87.40%। यानी कि अगर मैं इसके फंडामेंटल्स पकड़ूँ तो वहाँ का भी लग रही है कंपनी ग्रोथ करती जा रही है। बट अगर उस चीज़ को हम देखें चार्ट में, तो चार्ट में कंपनी दिखा रही साफ साफ ही कंपनी लॉस में जाती जा रही है। 400 के लेवल से कंपनी 110 पे आ चुकी है, यानी कि जो 4 महीने में जितनी कंपनी चली थी उसका आधा नीचे कंपनी आ चुकी है। हो सकता है कि जो और नीचे आए और नीचे आने के बाद एक सर्टन लेवल पे बेस बना के फिर ऊपर ट्राई करे जाने के लिए। तो फिलहाल 2-3 जगह पॉइंट बनाए थे कि वहाँ कंपनी हो सकता है रुके, जैसे कि एक ये लेवल हो गया, यहाँ पे कंपनी थोड़ी स्टॉप हुई थी, मुझे लगा यहाँ से फिर से कंपनी फिर से पुश करके ऊपर निकल सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ, प्राइसिंग और इसके नीचे आ गई। हो सकता है जो और भी नीचे आए और एक सर्टन नीचे के लेवल तक फिर से मोमेंटम बनाए ऊपर निकलने के लिए। तो फिलहाल की कहानी तो यही है कि दोनों अपोजिट चल रहे हैं, चार्ट अलग और उसके फंडामेंट्स अलग चल रहे हैं। देख लेते हैं आगे इसके अंदर क्या स्थिति होने वाली है, किस टाइप मूव्स कंपनी के अंदर आने वाली है। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।